64वीं बीपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों से बातचीत की कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिमेश कुमार। इनका चयन ब्लॉक एससीएसटी वेलफेयर ऑफिसर के पद पर हुआ है। इन्हें 720 रैंक प्राप्त हुआ है। अनिमेश जी, आपका एजुकेशन निकेतन के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सबसे पहले तो आपको सफलता के लिए बधाई चैनल की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। तो बताइए कुछ अपने बारे में और आपकी जो सफलता का ये जर्नी रही वो कैसी रही? सर, मेरा नाम अनिमेश कुमार हुआ। मैं बेसिकली पटना से हूँ और मैंने 2018 से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट किया। 2017 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से किया और 2018 से मैं इसकी तैयारी में जुट गया। 2019 में मैंने यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इंटरव्यू तक का जर्नी तय किया। अनफॉर्चुनेटली उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया फाइनल लिस्ट में। और बीपीएससी में ये मेरा सर फर्स्ट अटेम्प्ट था 2018 में, जब मैंने इसका फॉर्म भरा था और फाइनली मैं इसमें सेलेक्टेड हुआ 720 रैंक के साथ और मुझे ब्लॉक का एससीएसटी वेलफेयर पोस्ट मिला है इसमें। तो सबसे पहले तो बिहार में प्रारंभिक परीक्षा निकालना ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है, जैसा कि आपने 66वीं में देखा होगा जिस तरह से कटअप ऊपर जा रहा है। तो प्रीलिम्स से ही शुरू कीजिए कि आप प्रीलिम्स की बिहार के लिए जब यूपीएससी की आप तैयारी करते हैं उसके साथ साथ किसी राज्य लोक सेवा आयोग की भी तैयारी करते हैं, तो उसके लिए क्या अलग करना पड़ता है और बिहार के लिए आपने क्या किया, उसके लिए किन किन चीजों का आपने मदद ली? सर, लोक सेवा आयोग से अगर इसे जोड़ा जाए तो कुछ कुछ सिलेबस इसके कॉमन्स होते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस, एनवायरमेंट का सिलेबस हो गया या जनरल साइंस एंड टेक का सिलेबस हो गया। लेकिन जो बिहार प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं तो उसको बेसिकली हम लोग जो अलग क्वेश्चन होते हैं उसे हैंडल करने के लिए मैंने ये किया था कि उसे चार ब्रॉड टॉपिक में डिवाइड कर दिया था। पहला जो मेरा था सेक्शन वो डील करता था हिस्ट्री ऑफ बिहार से, दूसरा ज्योग्राफी से, तीसरा करंट अफेयर से और चौथा जो हो गया वो साइंस एंड टेक जो पोर्शन होता था वो। तो बेसिकली जो ट्रिकी क्वेश्चंस आते थे वो इसी चारों से आते थे, तो मैंने इन चारों को अलग से फोकस किया। और हिस्ट्री ऑफ बिहार जो हो गया, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, इसके लिए मैंने क्राउन पब्लिकेशन की जो हिस्ट्री की बुक आती है और सीएमई पब्लिकेशन की जो हिस्ट्री की बुक आती है उससे मैंने इसका डिटेल अध्ययन किया। उसके बाद मैंने जो साइंस एंड टेक होगी उसके लिए मैंने घटना चक्र का यूज किया था और करंट अफेयर के लिए मैंने दो सोर्सेज रेफर की थी, एक सीएमई का मटेरियल हो गया, एक केबीसी नैनो का हो गया। उसके बाद मैंने इस प्रीलिम्स के लिए अलग क्या किया था, चूंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो इस वजह से मैंने हिट रेशियो बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज्यादा करना स्टार्ट कर दी। क्योंकि अगर आप करंट अफेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि जो सोर्स मैं पढ़ रहा था वो तो था ही, साथ में जो YouTube चैनल्स थे जैसे एजुकेशन निकेतन आपका चैनल हो गया, उसके बाद और भी जो अलग अलग चैनल्स थे मैंने उनका सपोर्ट लेते हुए क्या किया कि एक कॉपी में सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर के, हिस्ट्री ऑफ बिहार के तैयार करना शुरू कर दिया। तो मेरे पास क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द वन मंथ क्या हुआ कि बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन के लिस्ट आ गए और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप देखेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स में तो वो रिपीटिव टाइप के होते हैं। तो पहला काम मैंने ये किया कि हिट रेशियो को बढ़ाने के लिए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा किया। दूसरा, पढ़ा, रिवीजन किया, लेकिन रिवीजन करने के बाद मैंने जब रिवीजन किया तो उसका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रिवीजन किया ताकि जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से फॉर्मेट उस तरीके से मैं प्रैक्टिस कर सकूं। और तीसरा, पास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर होता है तो मैंने उसका एनालिसिस किया और खास करके हिस्ट्री और साइंस एंड टेक में जहां से क्वेश्चंस आए थे मैंने उन क्वेश्चंस को उठाया और उसके ऑप्शंस पे भी एनालिसिस किया, मतलब उसके ऑप्शन पे भी सर्च किया मैंने डिटेल में कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री में आ रहा है क्वेश्चन और उसमें राहुल संस्कृतयान या और अदर ऑप्शंस हैं जो आंसर नहीं है बट स्टिल वो इंपॉर्टेंट है बीपीएससी की नजर में, तो मैंने उन पे रिसर्च करके एक एक पेज की एफोर शीट की मैंने समरी बना ली थी और फिर मैं उसे रिवाइज करता गया। तो ओवरऑल इस स्ट्रेटजी से मैंने प्रीलिम्स दिया और मेरे 103 मार्क्स थे उसमें। प्रीलिम्स में बीपीएससी में एक ई ऑप्शन का भी बहुत बड़ा हर्डल है, बच्चों के दिमाग में रहता है कि ई ऑप्शन को कैसे हैंडल करें, तो ई ऑप्शन के लिए आपने क्या किया कि उसको किस तरीके से एलिमिनेट करें? यस सर, जब ई ऑप्शन का हम एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो या तो रहते हैं कि कौन कौन से मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के कंस्टिट्यूट किए पर्टिकुलर मेंबर को, या फिर कौन कौन से फॉर एग्जांपल गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में, तो बेसिकली वो उस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें मल्टीपल आंसर होने का ज्यादा संभावना रहता है।
तो मैं उस तरह के क्वेश्चन को क्या किया कि जहां पे भी मेंबर्स की बात आती थी या फाउंडर मेंबर्स की बात आती थी या फिर पर्सनालिटीज की बात आती थी कि कौन कौन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से पर्सनालिटीज एसोसिएटेड हैं, तो वहां पे मैं उसे कॉशियसली बहुत ही अटेम्प्ट करता था और उस तरीके से मैं उस तरह के क्वेश्चन को सर टैकल करता था। बट इस क्वेश्चन में जो नन ऑफ दीज या मोर देन वन ऑफ दीज है, तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसमें रहती है। और बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं दो चार जो मैच नहीं करते हैं यूपीएससी के मेन आंसर की से, तो वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी को हटाने के लिए जो बाकी क्वेश्चन है उनमें आपको अपना एक्यूरेसी रेशियो बढ़ाना होगा सर। मैं बोलू, मैं ये सोचता हूँ। रमेश जी, आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो यस सर। जो ज्योग्राफी के लेकर एक सामान्य बच्चों में एक जिज्ञासा रहती है कि अगर यूपीएससी के उन्होंने ऑप्शनल के रूप में अगर ज्योग्राफी कर रखा है, तो क्या बिहार की मुख्य परीक्षा देने के लिए उन्हें फिर से ज्योग्राफी कहीं करने की जरूरत है, या केवल सिलेबस के अनुसार उसको उसी मॉडल पे कर सकते हैं? सर आई थिंक कि मोस्ट ऑफ दी जो सिलेबस है वो कवर हो जाती है यूपीएससी की, खास करके जो पार्ट वन आपका पोर्शन है सिलेबस का वो कवर हो जाता है, लेकिन पार्ट बी की जो बात करते हैं तो वो थोड़ा बिहार स्पेसिफिक हो जाता है। तो मुझे लगता है कि दो एस्पेक्ट में बच्चों को अलग से प्रिपरेशन करनी चाहिए जो भी एस्पिरेंट है। पहला, बिहार से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं आपके दिए हुए ज्योग्राफी में, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियल रीजन हो गया, तो सारी की आप बिहार से रिलेटेड अलग नोट्स तैयार करें, क्योंकि जब तक आप बिहार स्पेसिफिक कंटेंट अगर अपने पेपर में आप नहीं डाल रहे हैं तो आपको वो एज नहीं मिलेगा जिससे आप, मुझे लगता है, जो 100 या टॉप 200 रैंक में आप आ सके, पहली चीज। दूसरी, जो अप्लाइड ज्योग्राफी की बात होती है, तो वो अप्लाइड ज्योग्राफी जो होती है वो पार्ट वन और पार्ट टू में जनरली हम मिस कर देते हैं, तो वो चीज जो है हमको अपने पेपर में एटलीस्ट एक जो होती है ओवरऑल जो लास्ट पेज होती है तो उसमें अप्लाइड जो ज्योग्राफी होती है, बिकॉज की एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमें अप्लाइड ज्योग्राफी ही यूज करनी है, तो वो चीज दिखानी होगी जो भी एग्जामिनर है उनको। तो ये दो चीज पे एक्स्ट्रा फोकस उन्हें करना होगा सर। जो मुख्य परीक्षा का जीएस पेपर वन है, उसमें बच्चों को खासकर 64th बीपीएससी में जो सबसे बड़ी चुनौती आई थी वो टाइम यस सर, मैनेजमेंट की आई थी, कि समय प्रबंधन कैसे किया जाए, यस सर, क्योंकि स्टैट में कुछ बच्चों का समय बहुत ज्यादा खत्म हो जाता है। तो आपने किस तरीके से किया, क्या स्टैट के क्वेश्चन को पहले लिया या बाद में लिया या बीच में किया? सर मैंने स्टैट्स को क्वेश्चन को सबसे पहले फ्रेश माइंड से सबसे पहले ही लिया था, सबसे पहले अटेम्प्ट किया था, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है और अगर आपका 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा भी लग जाएगा तो आप जीएस के क्वेश्चन में मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज उसमें जस्ट आपको लिखना होता है और उस समय तक राइटिंग स्पीड आपकी स्टैट्स करते करते आ जाती है या एक दो जीएस के क्वेश्चन करते करते आ जाती है। तो मैंने स्टैट्स के क्वेश्चन को सबसे पहले किया था और करने के साथ साथ एक बार मैंने उसे रिवाइज भी कर लिया था, बिकॉज ये मोस्ट स्कोरिंग पार्ट होता है। अगर आप इसमें 60-72 में अगर 60 भी स्कोर कर लेते हो तो आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो 150 के ऊपर चला जाता है। तो मैंने स्टैट्स को सबसे पहले किया था, उसके बाद फिर मैं जो हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं मैंने उसे अटेम्प्ट किया था और उसके बाद फिर फाइनली जो सी सेक्शन होती है मैंने उसे कवर किया था। आपने जो जीएस पेपर वन, पेपर टू और ऑप्शनल, तीन पेपर की जो परीक्षा हुई थी मुख्य परीक्षा, क्या उसमें कोई भी प्रश्न जी सर, ऐसा था जिसको आपको टाइम मैनेजमेंट के कारण छूट गया हो, या आपने सारे अटेम्प्ट लिए थे प्रश्न? सर मैंने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए थे, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन थे, खास करके जो GS1 का लास्ट क्वेश्चन था, तो उसमें चूंकि मेरे पेज खत्म हो गए थे तो ऑलमोस्ट मैं उसे 2.5 पेज में ही मैं लिख पाया था, अदरवाइज मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और ये आज के दौर में मुझे लगता है सर कि ये जरूरी भी है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है उस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो तो आप पहले ही बैकफुट पे हो, तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसके ही लिए सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी अब बीपीएससी भी दे रही है, चाहे GS1 में दे या GS2 में दे, उसको हैंडल करने के लिए आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है सर, तो इस चीज पे फोकस करना ज्यादा आज के डेट में जरूरी हो गया है। ज्योग्राफी के लिए आपने मुख्य परीक्षा के लिए कहीं से कोचिंग या किसी संस्थान का नोट्स का मदद लिया? सर मेरी प्रिपरेशन बेसिकली सेल्फ स्टडी से रही है, लेकिन मैंने नोट्स जो है वो हिमांशु सर की जो नोट्स होती है और 500 की जो उनकी क्लास होती है मेंस के लिए, तो जब मैं यूपीएससी का मेंस लिख रहा था 2019 में तो मैंने 500 प्लस की क्लासेस उनकी ली थी। इट्स जस्ट लाइक क्रैश कोर्स, तो 2.5 महीने का कोर्स था और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में उन्होंने वो पूरी ज्योग्राफी कवर कराई थी, तो वो क्वाइट यूजफुल था। और नोट्स के साथ साथ मैंने जो सविंद्र सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी है, एक बिहार एंड इकोनॉमी करके एक ज्योग्राफी की बुक आती है उसे मैंने रेफर किया था बिहार रिलेटेड डाटा के लिए, फैक्ट्स के लिए, और साथ में इंडिया के ज्योग्राफी के लिए सर
डॉक्टर खुल्लर का जो आता है बुक्स, उससे जो भी रेलिवेंट मेरे लिए मटेरियल्स थे मैंने उसे रेफर किया। तो यही चार बुक्स मेजर थे जो मैंने बिहार बीपीएससी के लिए रेफर किया था। इंटरव्यू में आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी से कुछ प्रश्न पूछे गए थे? सर इंटरव्यू में तो मेरा बोर्ड करीमी सर का था, तो दो तीन क्वेश्चंस जो है मुझे मिले थे ज्योग्राफी के, और उन्हें मैंने आंसर भी किया था। उसमें से क्वेश्चंस थे कि टाइप ऑफ रॉक्स कितने तरीके के होते हैं, उसके बाद फ्लड रिलेटेड एक क्वेश्चंस था कि फ्लड मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली कैसे किया जाए। उसका आंसर देने के बाद उन्होंने बोला कि इसके बाद भी बार बार फ्लड मैनेजमेंट क्यों आता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग, तो उसका मैंने जवाब दिया। तो मोस्टली बोर्ड मेंबर सेटिस्फाइड थे, और बट अल्टीमेटली मेरे जो इंटरव्यू के मार्क्स थे वो उतने अच्छे नहीं है, करीमी सर के बोर्ड में था तो मे बी ऑन द लोअर साइड, बिकॉज मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया था, स्टिल सर ओनली 70 मार्क्स मुझे मिले थे। तो थोड़ा सा वो डी डे के दिन भी आपका डिपेंड करता है। इंटरव्यू में लक तो हमेशा मायने रखता है एनर्जी। जी सर, आप बताइए कि आप चयनित हो गए हैं, तो जो सफर रहता है जब आप सफल तैयारी की शुरुआत करते हैं और जब सफलता मिलती है, उसके बाद में किस तरीके का अंतर लोगों के व्यवहार या इसमें आप महसूस करते हैं? सर व्यवहार अगर आप अपने परिवार के लोगों की बात करें तो वो तो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। आप बाहर के लोगों की बात करें तो ये होती है कि जो पहले से लोग जानते थे, जो अपने अंदर की क्वालिटीज आप पहले खुद जानते थे, परिवार वाले आपके जानते थे, उसे बाहर एक रिकॉग्निशन मिलता है। तो जो भी चीजें, जो भी नॉलेज आपकी होती है, नाउ द पीपल विल लिसन टू यू मोर अटेंटिवली, तो वो एक चीज आती है। दूसरी, सफल होने के साथ साथ एक जिम्मेदारी आपकी आती है, क्योंकि जिस सर्विसेज में आप हो उसमें एक बहुत ही बड़ी पब्लिक सर्विसेज की जिम्मेदारी है, तो वो एक जिम्मेदारी का एहसास भी जो है सफल होने के साथ ही आपको होने लगता है। तो ये दो चीज आई थिंक सर सफलता के बाद ये दो चीज बहुत क्रिटिकल होती है जो मैंने महसूस की है। कोई भी ऐसा मोमेंट तैयारी के दौरान जो आप शेयर करना चाहें कि कोई रहा हो इंटरेस्टिंग मोमेंट जहाँ पे आपको कुछ महसूस हुआ हो? ये तो लास्ट ईयर की बात है, जब अगस्त में 4 अगस्त को मेरा यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट निकला था, अनफॉर्चुनेटली मेरी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आई थी। तो उस समय चूंकि मेरी ये पहली असफलता थी सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू देने के बाद, सो उस समय मैं बहुत ज्यादा सैड हुआ था। बट उस समय जो मेरे फैमिली मेंबर्स थे दी जिया जी, उन्होंने फिर बाद में मुझे समझाया, तो फिर उसे मैंने रिकवर किया कि ये फेलियर भी जो है एक पार्ट है, और आगे चल के फिर अच्छी सफलता जो है वो हासिल होगी अगर रेगुलर कंटिन्यूअस हार्ड वर्क किया जाए। तो वो एक थोड़ा सा सेटबैक था मेरे लिए। ऐसे भी अनिमेश जी, ये तो आपकी पड़ाव है, अभी तो आपको और भी सफलताएं तय करनी है, तो हम उम्मीद करेंगे संघ लोक सेवा आयोग में आप चयनित हों, और आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका।